अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मलका मसूर की दाल, जिसको अमूमन काली दाल कहते हैं, जो सारी दालों की मलका होती है। इसके अंदर हम एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच पिसी हुई मिर्च का, और एक प्याज बारीक काट लें। हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ले लें, और एक प्याली इमली का पल, इसको इमली को भिगो कर आप रख दें, और 4 टमाटर बारीक कटे हुए। और भगार के लिए हम लेंगे आधा प्याली कुकिंग ऑयल। जो भगार के लिए जो चीज़ें हैं वो हैं, एक प्याज बारीक कटी हुई, गोल वाली मिर्च 7 से 8 दाने ले लें, और एक चम्मच ज़ीरा। अब ये सारे मसाले हम दाल के अंदर डालते हैं, जिसमें नमक जाएगा इसके अंदर, टमाटर डालेंगे, हल्दी, और ये लाल मिर्च पिसी हुई, और बारीक कटी हुई एक प्याज, और हरी मिर्चें। ये डाल के हम इसको हल्के आंच में चढ़ा देंगे, और ये दाल हमारी हो गई है। देखें, अब आपको जितनी इसको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है, क्योंकि लोग चावल के साथ भी इसको खाते हैं और चपाती के साथ भी खाई जाती है, और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। दाल तैयार है, अब इसका हम बघार बनाएंगे। बघार के लिए जो मैंने आपको आधी प्याली ऑयल लगाया था, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बघार के लिए जो चीज़ें बताई थी, एक प्याज और 6 से 7 अदद गोल्ड वाली मिर्च, और एक चम्मच ज़ीरा। अब हम इस ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे, ये प्याज इसकी ब्राउन हो गई, लाइट ब्राउन हो जाएगी, तो इसके अंदर हम गोल्ड वाली मिर्च डालेंगे। और ये काली दाल बहुत मज़ेदार खट्टी दाल बनती है, इसमें हम अभी इमली का पल भी डालेंगे, जो बघार के बाद सबसे लास्ट में डलता है इमली का पल, तो दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये गोल्ड वाली मिर्च इसके अंदर डालेंगे हम, बहुत से लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं, पर मुझे पसंद नहीं कड़ी पत्ता, इसकी वजह से मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं इस पोजिशन पर कड़ी पत्ता। वो टमाटर की चटनी इसके साथ जो मैंने आपको अपनी रेसिपी बताई थी, वो इसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है, वो मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, आप उसको ज़रूर इसके साथ साथ करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको फरमाइश करना चाहें तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, ये हमारा बघार बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इमली का पल जो मैंने आपको बताया था
दो चमचे इसके हम डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा खटास दाल के अंदर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और इसी में हम हरा धनिया डालेंगे। अब आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। दाल बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह। मलका मसूर की दाल तैयार है। इसके साथ मैंने चावल भी बनाए हैं, टमाटर की चटनी और सैलेड भी बनाया है। अगर आप चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।